नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 और मैं हूं आपके साथ छवि। अब वक्त तो चला है खबरों की रफ्तार का। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के उस सर्कुलर को रद्द कर दिया है जिसमें कर्ज समाधान के लिए 180 दिन का वक्त देने का फैसला किया गया था। आरबीआई ने पिछले साल 12 फरवरी को सर्कुलर जारी किया था, उसमें कर्जदाताओं से कहा गया था कि 2000 करोड़ से ज्यादा के ऐसे लोन जिनका डिफॉल्ट करने के 180 दिन में समाधान नहीं हो पाए उन्हें इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट में लाया जाए। मूर्तियों पर जनता के पैसे की फिजूल खर्ची के मामले में बसपा प्रमुख मायावती ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। उन्होंने मूर्ति बनवाने के अपने फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि ये लोगों की इच्छा थी। इटली के एक द्वीप में सक्रिय चट्टानों के बीच फंसी गाय को निकालने के लिए बचाव कर्मियों को उसे एयरलिफ्ट करना पड़ा। हेलीकॉप्टर से उड़ा ले जा गई गाय का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया गया है कि गाय एक शिकारी से बचने के लिए चट्टानी रास्ते पर भागी थी, इसी दौरान वो फंस गई। ऐसे में स्थानीय लोगों ने गाय को निकालने के लिए फायर डिपार्टमेंट को फोन कर दिया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि भारतीय सैटेलाइट नष्ट हो जाने से 400 टुकड़े हुए हैं। ये अंतरिक्ष की कक्षा में चक्कर लगा रहे थे, इसके चलते इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और उसमें रह रहे एस्ट्रोनॉट्स को खतरा पैदा हो गया है। भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्थान ने 27 मार्च को एंटी सैटेलाइट मिसाइल का टेस्ट किया था। कृष्णा नदी के किनारे बसा है विजयवाड़ा। कृष्णा का यही किनारा अमरावती को भी जोड़ता है। तेलंगाना से अलग होने के बाद अमरावती को आंध्र की राजधानी बनाया गया था। यहाँ हाईटेक सचिवालय है जहाँ टॉयलेट का फीडबैक देने के लिए हर शौचालय के सामने टैब लगे हैं। भारतीय सेना के जवानों ने इंजीनियरिंग की मिसाइल कायम की है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लेह में सिंधु नदी पर 260 फीट लंबा सस्पेंशन ब्रिज महज 40 दिन में बना दिया। इस नदी पर बन रहा ये सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है। सोमवार को ये मैत्री ब्रिज आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। इस मौके पर लोगों ने सेना का शुक्रिया अदा किया। राज्य सरकार ने सोमवार रात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय समिधा से सुरक्षा व्यवस्था हटा दी है। यहाँ 10 साल से यानी 2009 से एसएएफ के 1-4 जवानों की गार्ड तैनाती थी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राज्य सरकार के इस निर्णय को गलत बताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ से फिर से संघ कार्यालय की सुरक्षा बहाल करने के आदेश देने की मांग की है। जबलपुर लोकसभा सीट से अधिकृत रूप से कांग्रेस पार्टी द्वारा राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा को प्रत्याशी बनाए जाने की औपचारिक घोषणा बाकी है। इस बीच तन्खा ने ट्वीट कर कहा है कि जबलपुर की जनता के लिए ये निर्णायक वक्त है। भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के विरुद्ध भाजपा उम्मीदवार के रूप में नाम चलने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उन्हें इससे इकरार भी नहीं है और इनकार भी नहीं। चौहान ने सोमवार को दिल्ली में मीडिया से चर्चा के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में ये बात कही। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिल्ली में कर्ज माफी को लेकर दिए बयान पर पलटवार किया है। नाथ ने कहा है कि शिवराज सिंह दिल्ली में जिस तरह मध्य प्रदेश में कर्ज माफी को लेकर झूठ बोले हैं, उचित होगा कि वे पहले भोपाल में इस बारे में अध्ययन कर लेते, उसके बाद कुछ बोलते। मुख्यमंत्री ने कहा कि चौहान ने झूठ बोलने के लिए दिन 1 अप्रैल सोच समझ कर चुना है। बाणगंगा क्षेत्र में सोमवार को एक दुखद हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 की हालत गंभीर है। मृतक मजदूर अपने एक अन्य साथी के साथ चैम्बर की सफाई के लिए नीचे उतरा था। नीचे उतरने के कुछ देर बाद ही इसका दम घुटने लगा जिससे दोनों चैम्बर में ही बेहोश हो गए। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने सोमवार को राजबाड़ा पर अनूठा विरोध प्रदर्शन किया है। सुबह बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए और मूक दिवस को राहुल गांधी दिवस के रूप में मनाया। उनका कहना है कि जो शख्स एक तरफ आलू डालने पर दूसरी तरफ से सोना निकालने जैसी बात करता हो उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। रूसी एविएशन इंडस्ट्री में आयरन लेडी के नाम से मशहूर नतालिया फिलेवा की विमान दुर्घटना में मौत हो गई। यह हादसा दक्षिण पश्चिम जर्मनी स्थित एजल बाश शहर के पास हुआ। 6 सीटों वाले विमान में पायलट के अलावा 55 साल की नतालिया और उनके पिता मौजूद थे। हादसे में तीनों की मौत हो गई। दुनिया की सबसे बड़ी तेल उत्पादक कंपनी सऊदी अरामको दुनिया की सबसे ज्यादा मुनाफे वाली कंपनी बन गई है। रेटिंग एजेंसी मूडीज के मुताबिक सऊदी अरामको ने पिछले साल 111 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया। यह एप्पल के 59.53 अरब डॉलर के प्रॉफिट से 46% ज्यादा है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और गेंदबाजी में टीम की रीढ़ बन चुकी है जसप्रीत बुमराह ने आईसीसी मेंस वनडे रैंकिंग में पहला स्थान बरकरार रखा है। जहां कोहली 890 अंकों के साथ बैटिंग रैंकिंग में टॉप पर रहे, वहीं ओपनर रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर रहे। गेंदबाजी रैंकिंग में कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल टॉप 10 में और 2 अन्य भारतीय नाम हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के 12वें संस्करण के 11वें मैच में सनराइजर हैदराबाद के हाथों मिली 118 रन से करारी हार के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ने टीम के लिए इसे एक बड़ी शर्मनाक हार बताया।
दिल्ली हाईकोर्ट और मुंबई हाईकोर्ट ने फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक की रिलीज को रोकने की याचिका रद्द कर दी है। फिल्म के प्रोड्यूसर, क्रिएटिव डायरेक्टर और स्टोरी राइटर संदीप सिंह ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया, हम बेहद खुश हैं कि फिल्म के साथ न्याय किया गया। करीना कपूर खान और सैफ अली खान का बेटा तैमूर अपनी क्यूटनेस की वजह से सुर्खियों में बना रहता है। तैमूर के घर से बाहर निकलते ही कैमरे उन्हें घेर लेते हैं, वहीं इंटरनेट पर उनके फोटोज और वीडियोस खूब वायरल हो रहे हैं। तैमूर की पॉपुलैरिटी को देखते हुए करीना सैफ ने उनके डेब्यू की तैयारी कर ली है। जी हाँ, महज 2 साल के तैमूर जल्द ही बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं। और फिलहाल खबरों की रफ्तार में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेशन 24।